क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों सबको जय यीशु। हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ईश्वर दिए सभी अनुग्रहों को हम याद करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ है वे सब ईश्वर का देन है। हमारा जिंदगी और हमारे ताकत क्षमताएँ सब ईश्वर ने हमें तोहफा के रूप में दिया है। इसके प्रति हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज की इस पूजा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे ईश्वरीय अनुभव व्यक्तिगत रूप से हम सबों को मिलने के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह पूर्ण रूप से पूजा बलिदान में उपस्थित है। अपना शरीर और रक्त को हमें प्रदान करते हैं और मैं और मेरा ईश्वर एक हो जाते हैं पूजा बलिदान में। हमें मालूम है कि हमने मेमबत्तियाँ देखा है, दो मेमबत्तियाँ पिघल कर जैसे एक मेमबत्ती बनते हैं, ठीक उसी प्रकार पूजा बलिदान में मैं और मेरा ईसा मसीह एक हो जाते हैं। तो उस अनुभव हम सबों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ईसा मसीह अपने ज़िंदगी में जो कुछ किया है वे सब हमारे साथ रहने के लिए किया है। ईसा मसीह का मनुष्यावदा, ईसा मसीह का दुख भोग, ईसा मसीह का क्रूस मरण, ये सब हमारे साथ हमेशा रहने के लिए ईसा मसीह ने किया है। और पूजा बलिदान में इन सब बातों को हम याद रखते हैं। हमारे पापों को ईश्वर से कबूल करते हुए, हमारे कमजोरियों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए, हमारी सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को ईश्वरीय चरणों में विश्वास के साथ समर्पित करते हुए ईश्वरीय अनुभव से, ईश्वरीय अनुभव आज के इस पूजा बलिदान द्वारा हमें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ ईश्वरीय अनुभव मिलने की तीव्र इच्छा अपने मन में रखते हुए आज के इस पूजा बलिदान में हम भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अद श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न यह ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। Sada sada
ईश्वर की महिमा। स्वर्ग पिता हमारे पावन होए तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्गो पृथ्वी पूरिते तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समो पावन पावन पावन। जैसी स्वर्ग में तेरी इच्छा पवित्रात्मा के महिमा होवे नित्य निरंतर। ये प्रभु हमारे ईश्वर तेरे पवित्र तृत के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। पल पल कीर्तन गाता रहो मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा, जब तक मुझ में जान रहेंगे प्रभु जी तेरी जय बोलूं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे।
तेरे प्रति एक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुण हानि करते रहे। ये सबके प्रभु तो ही सुरोचनहार सर्वथा। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वथा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा गा, तुम पवित्र हो हे शक्तिमान, तुम पवित्र हो हे ईश्वर, तुम पवित्र हो हे शक्तिमान, तुम पवित्र हो हे अमर, तुम पवित्र हो हम पर दया करो, हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार क्षमा कर और कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वधा। आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रह एवं सहायताओं को कृपा पूर्वक बरसाने वाला भंडार है, तू अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। कृपया सब लोग बैठ जाइए। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया हुआ आज का पहला पाठ, अध्याय 5 वाक्य 11 से 20 तक। मसीह आपको आशीर्वाद दे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया हुआ आज का पहला पाठ, अध्याय 5 वाक्य 11 से 20 तक। ईश्वर से मेल मिलाप का सेवा कार्य। इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है, हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं, हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि वह आप लोगों के अंतकरण के लिए भी प्रकट होगा। हम फिर आप लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि आपको हम पर गर्व करने का अवसर मिले और आप उन लोगों का मुंह बंद कर सके जो हृदय की बातों पर नहीं बल्कि
दिखावे की बातों पर गर्व करते हैं। यदि हमें अपनी सूद बुद्ध नहीं रह गई थी तो यह ईश्वर के लिए था, और यदि हम अब संतुलित हैं तो यह आप लोगों के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए, और जो जिनके लिए, जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया, और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया, और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति, और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर। निकोदिमोस नामक भरी सी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदिमोस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बुढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया,
मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदिमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उनसे उत्तर दिया, आप इसराइल के गुरु हैं और ये सब बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि निकोदिमुस और ईसा मसीह को। निकोदिमुस रात को ईसा मसीह के पास आते हैं ईसा मसीह को मिलने के लिए। निकोदिमुस को विश्वास था कि ईसा मसीह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ है, और ईसा मसीह पर निकोदिमुस को जो विश्वास था वह विश्वास दूसरों के सामने प्रकट करने की शक्ति निकोदिमुस को नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार से मुख्य रूप से हमें तीन संदेश मिलते हैं। पहला संदेश है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है, ईसा मसीह हमारा रक्षक है, ईसा मसीह इस धरती पर हमारे लिए आया है, और अपने क्रूस मरण पुनरुत्थान द्वारा प्रभु ईसा मसीह हम सबों को पाप से बचाया है और स्वर्ग राज्य का वारिस फिर से बनाया है।